चैप्टर फोर। मिसेस हॉल को उस अजनबी आदमी से कुछ तकलीफ़ें होने लगी थीं। उनको बार बार उस आदमी को देख के थोड़ा अटपटा सा लगता था, लेकिन अजनबी आदमी उन्हें पैसे देकर चुप कर देता था। अजनबी आदमी अपना ज़्यादातर वक्त कमरे के अंदर ही बिताता था, घंटों तक वो बाहर ही नहीं आता था, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। उसके उस बिहेवियर की वजह से वो पूरे गाँव में चर्चा का विषय हो गया था। मिसेस हॉल उसको साइंटिस्ट बताती थी, लेकिन कुछ लोगों को वो क्रिमिनल लगता था। उनको लगता था वो कहीं से क्राइम करके आया है और इस गांव में छुप गया है। मिस्टर कस, जो वहां के डॉक्टर थे, वो उसके बारे में जानना चाहते थे। एक दिन वो नर्स फंड के बहाने उसके कमरे के अंदर चले गए। मिसेस हॉल चुपचाप उनकी बातें सुनती थी बाहर से। अचानक मिस्टर कस चिल्लाते हुए बाहर भागे और भागते भागते सीधे वहाँ के चर्च के प्रीस्ट के पास चले गए, प्रीस्ट यानि पादरी। वो प्रीस्ट के पास जाके उस आदमी के बारे में सब कुछ बताने लगे। यहाँ पर ऑथर ने यह डिस्क्राइब नहीं किया कि उसने प्रीस्ट के पास जाके क्या बताया है।